सो हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल। एंड हमारे इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े टॉपिक नेशनल इनकम की तरफ अब हम लोग आ गए हैं। मैंने टेलीग्राम पे आपसे पूछा था कि आपको नेशनल इनकम करना है या थोड़ा कॉमर्स करना है। अभी आप सबने नेशनल इनकम बोला, मेजोरिटी लोगों ने नेशनल इनकम बोला। सो ऑन योर डिमांड मैं पहले नेशनल इनकम आपको करा रहा हूँ। नाउ आपके काउंसिल ने, आपका काउंसिल यानी कि आईएससी, देखो हम लोग सीबीएसई सिलेबस नहीं फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग आईएससी सिलेबस। तो हमारा जो बोर्ड कह रहा है हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। सीबीएसई आईएससी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, कॉन्सेप्ट्स का भी डिफरेंस रहता है, एंड हम लोग आईएससी सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। अगर आप काउंसिल की बात सुनोगे तो काउंसिल ने अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में 12 मार्क्स अलॉट किए हैं इस चैप्टर को। अब ये 12 मार्क्स हम लोग कैसे करने वाले, आई एम नॉट फॉलोइंग योर बुक ऑर्डर, ठीक है, आई एम फॉलोइंग माई ओन ऑर्डर, बट 12 मार्क्स आपको कंप्लीट करा के देंगे, ठीक है। सो पार्ट वन जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये पार्ट वन है, इसके बाद एक पार्ट टू आएगा एंड लास्टली एक पार्ट थ्री आएगा, ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू कवर दिस, हम लोग पार्ट वन में जो आप आज देख रहे हो इसमें वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डायग्राम्स। आपके नेशनल इनकम के चैप्टर में डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, आ सकता है, पास्ट में आया है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डायग्राम्स पे पूरा फोकस करेंगे। आप मान के चल सकते हो ये 2 to 3 marks या 3 to 4 marks का हो सकता है पोर्शन, ठीक है, लगभग 3 marks ऑन एन एवरेज मान के चलो। उसके बाद हम लोग एक पोर्शन करेंगे जो कि प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड सम्स वाला टॉपिक रहेगा, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 6 marks है, ठीक है। एंड लास्टली हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो अदर पोर्शन रहेगा जिसमें इस चैप्टर से जुड़े हुए छोटे छोटे डेफिनेशंस और छोटे छोटे डिफरेंसेस, जो 2 नंबर से ज्यादा का आएगा नहीं, 2 या 3 मैक्सिमम एमसीक्यू वगैरह मिला दो तो उस पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। इसकी भी वेटेज आप 3 मान के चलो, तो 3, 6 एंड 3, 12 मार्क्स आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। काउंसिल ने अपना इशारा क्लियर कर दिया, अब हमें समझने की जरूरत है। तो 12 मार्क्स इस तरीके से होगा, आपको तीनों पार्ट्स देखने हैं। बहुत बार ऐसा होगा आई विल जंप टू वन पोर्शन एंड देन कम बैक टू अनदर पोर्शन, तो आई विल फॉलो माई ऑर्डर, मेरे को जैसा कंफर्ट लगता है कराने में वैसा कराएंगे। बट तीनों पार्ट हो जाने के बाद आपके बुक का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट फॉलोइंग बुक ऑर्डर पेज टू पेज, बट आई एम फॉलोइंग द सिलेबस कॉन्टेंट, ठीक है। तो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आई एम गोइंग इन दैट मैनर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो आपको स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि ज्योग्राफी का क्लास है क्या, नहीं ज्योग्राफी नहीं है, इको का ही क्लास है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग पहले तो एक डाउट को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। चैप्टर शुरू होने से पहले एक डाउट क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप जब बुक पढ़ोगे तो बहुत जगह आपको दिखेगा कि टॉपिक के हेडिंग में उन्होंने इनकम लिखा है, लाइक नेशनल इनकम, फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे या आगे और भी इस चैप्टर में कई जगह पे आप पढ़ोगे तो देखोगे हेडिंग में इनकम वर्ड लिखा है, बट अंदर का जब कंटेंट पढ़ोगे तो देखोगे वहां पे प्रोडक्शन या प्रोडक्ट वर्ड लिख दिया है, ठीक है। तो अब हमारे मन में क्या होता है ना, हमारे मन में इनकम का मतलब होता है जैसे वी आर रिसीविंग मनी फ्रॉम सम पर्सन, वो हमारा इनकम हो गया, ठीक है। जॉब कर रहे हैं पैसा मिल गया, दैट इज इनकम, हमने ऐसा एक माइंडसेट बना रखा है, ठीक है। और प्रोडक्शन से हमारा मतलब होता है कि अच्छा फैक्ट्री में जो बन रहा है वो प्रोडक्शन है, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर टर्म एक्सपेंडिचर, हालांकि ये उतना ज्यादा यूज नहीं होगा बट ये भी एक टर्म है। तो पहले तो आप एक माइंडसेट क्लियर करके रखिए, वरना इस चैप्टर में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। क्या माइंडसेट क्लियर करके रखना है, द माइंडसेट इज कि ये तीनों बराबर होते हैं। अभी आई विल शो यू कि ये तीनों बराबर कैसे होते हैं, वैल्यू वाइज ये तीनों बराबर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, लेट से इंडिया में क्या लोगे, चलो मान लेते हैं लैपटॉप, ठीक है, लेट्स टेक अ प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लैपटॉप। इंडिया में लैपटॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। लैपटॉप की कीमत है 40,000, फॉर एग्जांपल लैपटॉप की कीमत कितनी है, 40,000, ये इंडिया में प्रोडक्शन हुआ। अब इस 40,000 में क्या क्या जुड़े हुए हैं, इस 40,000 में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सारे जो फैक्टर कॉस्ट है वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि वेजेस जुड़ा हुआ है, इसमें रेंट जुड़ा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। तो ओनर ने जो प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन के सारे कॉस्ट के साथ साथ उसने अपना प्रॉफिट प्रॉफिट सब जोड़ रखा है, राइट। और अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इंडिया में कितनी की प्रोडक्शन हुई, तो आप बोलोगे इंडिया में
40,000 की प्रोडक्शन हुई। हाउ मच वॉज द प्रोडक्शन, तो आप बोलोगे कि 40,000 का प्रोडक्शन हुआ। अब ये जिस भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है वो तो सेल करेगा इसको, एंड प्रोड्यूसर अगर सेल करेगा तो प्रोड्यूसर को क्या होने वाला है, उसको होने वाला है इनकम। ठीक है, सेलर या प्रोड्यूसर को क्या होता है, इनकम। अब आप बताओ 40,000 का लैपटॉप आप बेचोगे तो आपको कमाई कितना होगा, 40,000 का, इसमें आपका प्रॉफिट सब जुड़ा हुआ था, तो 40,000 का गुड्स अगर आप बेचोगे तो आपको कमाई भी 40,000 का होगा। एंड जिस बायर ने इसको खरीदा है, उस बायर ने कितना एक्सपेंडिचर किया होगा, आपने कमाया 40,000 तो उसने दिया है ना आपको 40,000, तो बेसिकली वैल्यू वाइज अगर आप देखोगे ना तो ये सब सेम आता है। ठीक है, बट बुक में, बुक के टेक्निकल लैंग्वेज में फंसोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा इस चैप्टर में, इसीलिए आई यूज सिंपल वर्ड्स। ठीक है, बहुत जगह आई यूज वेरी सिंपल वर्ड्स ताकि आपको 12 मार्क्स हमारा टारगेट है। ठीक है, हमारा टारगेट है 12 मार्क्स, वो पाना है। ठीक है, बाकी टेक्निकलिटीज में आपको फंसना है तो आप बुक से कर सकते हो, अदरवाइज हमें 12 मार्क्स से मतलब है, और 12 मार्क्स हमारे इस तरीके से आ जाएंगे तीन वीडियोस में। ठीक है, सो इनकम, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर तीनों बराबर होते हैं वैल्यू वाइज, तो आप किसी भी एंगल से बात करो, प्रोडक्ट के एंगल से बात करोगे तो भी 40,000, सेलर के इनकम के हिसाब से बात करोगे तो भी 40,000, और आप बायर के खर्चे के हिसाब से बात करोगे तो भी 40,000। सो ऑल एंगल से बात बराबर है। ठीक है, तो कभी इनकम वर्ड यूज होगा, कभी प्रोडक्शन वर्ड यूज होगा, तो ऐसे चैलेंज मत करना कि अरे आपने तो बोला था इनकम 40,000, आप बोल रहे हो 40,000 प्रोडक्शन, एक ही है, सब एक ही है, ये तीनों एक ही है। ठीक है, ओके, अब हम लोग जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि इस वीडियो में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट, डायग्राम्स, इस वीडियो में डायग्राम्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायग्राम्स की बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू डायग्राम्स हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इंडिया में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स आर देयर, इंडिया में कितने तरीके के लोग हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इसमें कितने तरीके के पार्टिसिपेंट्स है। तो देखो हमारे इकोनॉमी में सबसे पहला पार्टिसिपेंट जो आता है वो होता है हाउस होल्ड। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आई एम टेलिंग यू, पीपल लाइक मी एंड यू, कंज्यूमर्स जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है हाउस होल्ड। अच्छा, सेकेंड कौन होता है, तो सेकेंड होते हैं फर्म्स, द प्रोड्यूसर्स, जिनका काम है प्रोडक्ट बनाना। तीसरा कौन होता है, तीसरा होता है जो हमारे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसीज यूज करके, टैक्सेशन, ठीक है, और ये सब तरीके की चीजें यूज करके वो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, हमेशा इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है। ठीक है, ना तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, ना तो एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट हो जाए, इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पर रहे, इसकी कोशिश रहती है किसके तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कंट्रोलर ऑफ द इकोनॉमी। और हमारा इंडिया का दूसरे देशों के साथ फॉरेन ट्रेड भी तो है, विदेशी व्यापार जिसे कहते हैं, तो फॉरेन ट्रेड भी तो है हमारा, तो दूसरे लोगों को क्या बोलेंगे जो आउट ऑफ इंडिया है, उनको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनसे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेन देन है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेन देन है इन लोगों से। तो कितने तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इकोनॉमी में, हमारे इकोनॉमी में मेरे और आपके जैसे लोग हैं, हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर जैसे लोग हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, सरकार है जो इकोनॉमी में बहुत मेजर रोल प्ले करती है कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, उसके बाद एंड सरकार सिर्फ कंट्रोल नहीं करती है, वो पार्टिसिपेट भी करती है, बाइंग सेलिंग भी उसका होता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन वो लोग भी बाइंग सेलिंग करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, ऑल राइट, तो ये चार पार्टिसिपेंट्स है। आपको डायग्राम के लिए क्या करना है, आपको डायग्राम के लिए ये चारों का माइंडसेट क्लियर रखना है, इनके बीच में कैसे कैसे इंटरेक्शन हो रहे हैं, इनमें से कौन लोग किसको क्या दे रहा है, किससे क्या ले रहा है, ये चारों का इंटरेक्शंस हमें इस चैप्टर में डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है। सो देयर आर फोर पार्टिसिपेंट्स जो हमारे इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीन तो अपने देश के हैं, ये तीनों तो अपने देश के हैं, और बाकी लास्ट वाले जो है वो विदेश के हैं, बट वो भी हमारे इकोनॉमी में बाइंग सेलिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो हमें बस इनका इंटरेक्शन दिखाना है डायग्रामेटिक फॉर्म में, और इसके हमें मिलेंगे 2 से 3 नंबर। ठीक है, ज्यादा नसीब हुआ तो आपका 4 नंबर भी हो सकता है, आई डोंट थिंक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पेपर पैटर्न जो है वो इस तरफ इशारा नहीं कर रहा, सो आई डोंट थिंक 4 मार्क्स का डायग्राम आएगा, बट वो मेरा थिंकिंग है। ठीक है, मेरा थिंकिंग उतना काम नहीं आएगा, काउंसिल कुछ भी कर सकता है, ठीक है, बट आई फील कि 4 मार्क्स का डायग्राम तो नहीं आएगा, पहले आता था बट अब शायद नहीं आएगा। अच्छा, अभी देखो, अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ द इंटरेक्शन बिटवीन दीज पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले एक कॉन्सेप्ट भी यहां पे समझा देते हैं, आपके बहुत पहले आईएससी में ये
क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखो अब यही सब है ना कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, अब यही सब क्वेश्चंस में भी रिपीट होंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न जो बन रहा है ना वो पेपर पैटर्न इसी तरफ इशारा कर रहा है कि थियोरी क्वेश्चन 2 नंबर के ही आएंगे, इशारा हो रहा है ठीक है, और डायग्राम भी शायद 2 नंबर का ही आए आपको, 2 से 3 मार्क्स मैक्सिमम। तो चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके लेट्स फोकस ठीक है। तो सबसे पहले समझो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रियल फ्लो एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मनी फ्लो। अभी पहले इसको समझते हैं ना, हमने आपको क्या बोला, देयर आर 4 पार्टिसिपेंट्स है ना, 4 पार्टिसिपेंट्स है, तो हमें ना डायग्राम्स बनाने मिलेगा 2 सेक्टर मॉडल का। अच्छा ये सबको ना सेक्टर्स बोलते हैं, दीज आर ऑल सेक्टर्स, हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं ना, पार्टिसिपेंट्स वो मेरा अपना वर्ड है, बट इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग इनको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं ठीक है। मतलब इकोनॉमी के 4 पार्ट्स है, ये इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स है। तो आपको ना कभी वो लोग बोलेंगे 2 सेक्टर मॉडल का डायग्राम बनाओ, तो 2 सेक्टर में आप एनी 2 सेक्टर नहीं ले लेना, आपको ये दोनों को लेना पड़ेगा। ये दोनों अगर आप ले रहे हो तो ये 2 सेक्टर मॉडल हो गया, दिस इज 2 सेक्टर मॉडल। अगर आप हाउस होल्ड एंड फर्म से काम चला रहे हैं, अगर आप हाउस होल्ड एंड फर्म से काम चला रहे हैं तो दैट्स 2 सेक्टर मॉडल राइट। कभी कभी वो आपको बोलेंगे 3 सेक्टर मॉडल बना के दिखाओ, तो आपको इन तीनों का इंटरेक्शन दिखाना पड़ेगा, इन तीनों का, हाउस होल्ड फर्म एंड गवर्नमेंट। एंड कभी कभी ऐसे तो बोलेंगे नहीं, बट वो आपको बोल सकते तो है कि चारों का डायग्राम बना के दिखाओ, हाउ ऑल 4 ऑफ देम आर इंटरेक्टिंग। तो ये हो गया 4 सेक्टर मॉडल, तो इनके बीच का इंटरेक्शन हमें दिखाना है। अगर 2 सेक्टर बोला तो सिर्फ 2 लोगों का दिखाएंगे, 3 का बोला तो 3 का दिखा देंगे, 4 का बोला तो 4 का दिखा देंगे। सो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे आप क्या करना, सबसे पहले अपने डायग्राम में ध्यान से देखते जाओ ठीक है। आप एक तरफ हाउस होल्ड बना लो, एक तरफ फर्म्स बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेफ्ट में किसको बना रहे, राइट में किसको बना रहे, एज यू विश, जैसा मर्जी वैसा बनाओ ठीक है। आप हाउस होल्ड इधर लिख दो, फर्म्स को उधर लिख दो, फर्म्स को लेफ्ट में लिख दो, राइट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस दोनों को दिखाना है ठीक है, लेफ्ट या राइट दैट डज नॉट मैटर्स ठीक है। अच्छा तो अपने को क्या पता था कि फर्म्स वाले लोग कौन होते हैं, फर्म्स वाले लोग प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका काम होता है प्रोडक्शन करना, एंड हाउस होल्ड मतलब हम लोग ठीक है, हमारे जैसे मतलब रिमेनिंग सोसाइटी जिनका काम है कंजम्पशन करना ठीक है, ये सोसाइटी आप मान के चल सकते हो। अब बात आ रहा है ये रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है। तो देखो प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए ये प्रोड्यूसर लोग, आप देखो एरो कहाँ आ रहा है, एरो ऐसे आ रहा है राइट, एरो ऐसे आ रहा है, मतलब हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ क्या जा रहा है। अच्छा पहले पहले नीचे वाले पार्ट को कर लेते, वेट वेट वेट, पहले ना विल डू दिस पार्ट ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है। तो हाउस होल्ड, हम लोग है हाउस होल्ड राइट, वी आर ओवर हियर राइट, हम लोग है हाउस होल्ड, और हम लोगों ने क्या दिया है फर्म्स को, हम लोगों ने फर्म्स को दिया है फैक्टर सर्विसेज। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगेगा, फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए लगेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीजें लगेंगी उनको। तो कहां से आएंगे ये लोग, ये लोग सोसाइटी से आएंगे, हाउस होल्ड वाले लोग आएंगे और ये सर्विसेज देकर जाएंगे। तो फर्म्स को हमारे से क्या मिलता है, फर्म्स को हमारे से मिलता है सर्विसेज ठीक है, और इस सर्विस के बदले में फर्म्स हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फर्म्स हमें प्रोवाइड करेगा उनका पेमेंट, जैसे कि लैंड है तो रेंट पेमेंट होगा, लेबर है तो वेजेस पेमेंट होगा, कैपिटल है तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा, एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट पेमेंट होगा, तो 4 तरीके के पेमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है, समझ गए बात। तो हम लोगों के तरफ से फैक्टर सर्विस जाता है, उन लोगों के तरफ से उसका पेमेंट आता है राइट। नाउ वंस द प्रोडक्शन इज डन, वंस द प्रोडक्शन इज डन, तो फिर हमें उनके तरफ से गुड्स मिल जाएगा, हम लोग गुड्स खरीदेंगे, जब गुड्स बन गया तो सोसाइटी में वो लोग गुड्स को बेचेंगे, तो हमारे पास गुड्स आ जाता है, एंड गुड्स आ जाता है तो बदले में हम लोग क्या पेमेंट करते हैं, हम लोग उस गुड्स एंड सर्विसेज के खर्चा दे देते हैं ठीक है, जो भी हमने गुड्स खरीदा उसका हम लोग पेमेंट दे देते हैं। सो दिस इज हाउ द फ्लो इज हैपनिंग ठीक है, दिस इज हाउ द फ्लो इज हैपनिंग। तो अगर शॉर्ट में एक बार हम लोग देखें, लेट्स से हाउस होल्ड आई एम मेकिंग ओवर हियर एंड फर्म्स आई एम मेकिंग ओवर हियर ठीक है, तो हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ क्या गया, हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ फैक्टर सर्विसेज गया, हमने किसी तरीके का सर्विस दिया, जिसके बदले में उनके तरफ से क्या आया, उनके तरफ से फैक्टर पेमेंट आया ठीक है। तो हमने सर्विस दिया, उन्होंने पेमेंट दिया, जब इनका गुड्स बन जाता है तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें वही गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
और फिर हम लोग उनको क्या प्रोवाइड कर देते हैं, हम लोग उनको उसका पेमेंट प्रोवाइड कर देते हैं. आप पेमेंट भी लिख सकते हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज टू पार्टिसिपेंट्स आर इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर. अब बात आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है. तो आप देखो यहाँ पे ऊपर में आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है. रियल फ्लो किसको बोलते हैं, देखो जब गुड्स एंड सर्विस वन सेक्टर टू अनदर जाता है ना, गुड्स एंड सर्विस. अब देखो सर्विस कितनी बार गया है, सर्विस हमारे तरफ से भी गया है और गुड्स एंड सर्विस उनके तरफ से भी आया है. तो जब कोई प्रोडक्ट वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो. ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई गुड्स दे रहा हूं तो आप बोलोगे ये रियल फ्लो है. ठीक है, हाउस होल्ड को फर्म से गुड्स मिल रहा है तो आप बोलोगे ये रियल फ्लो है. गुड्स या सर्विस कुछ भी मिले तो ये रियल फ्लो कहलाता है. बट हर रियल फ्लो के उल्टे में हम लोग क्या देते हैं, पेमेंट्स करते हैं. ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे पेमेंट किया, हमने यहाँ पे पेमेंट किया. तो जो पेमेंट करते हैं ना, अगर आप मेरे को गुड्स दे रहे हो तो मैं आपको पैसा दूंगा, तो जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं मनी फ्लो. तो मनी फ्लो क्या हो गया, मनी वही है, इट शोज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन वेरियस सेक्टर. रियल फ्लो शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड मनी फ्लो पेमेंट का फ्लो शो करता है. राइट, सो दिस इज हाउ The sectors interact with one another. अगर exam में ऐसा वाला question आया तो आपको इसके दो number मिलेंगे, high chances है कि ऐसा वाला आ जाए. ठीक है, because diagrams वो लोग हर साल देते ही है. ठीक है, 2023 के exam में उन्होंने three sector model पूछ लिया है. ठीक है, तो आपके लिए two sector ज़्यादा important हो जाता है फिर. For your exam two sector is more important. ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि three वापस नहीं आ सकता, three आ सकता है, but ये ज़्यादा important हो जाएगा. तो two sector model जब आपसे पूछेगा तो आप इस तरीके का डायग्राम बना के आओगे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हाउस होल्ड इधर बनाइए या उधर बनाइए. राइट, चलो ये हो गया. नाउ टॉकिंग अबाउट वन बिग प्रॉब्लम इन दिस, तो चलो नेक्स्ट डायग्राम पे जाने से पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं. अब देखो जैसे क्या हो रहा है ना कि हमने फैक्टर सर्विस दिया, बदले में हमें हाउस होल्ड को पेमेंट आ गया, लेट्स से 1000 का पेमेंट आ गया. ठीक है, तो उनके तरफ से 1000 का पेमेंट आ गया, हमने फैक्टर सर्विस दिया, हमें 1000 का पेमेंट आ गया. अब फिर हमने उससे गुड्स एंड सर्विस खरीदा, बट जब 1000 का पेमेंट आ गया था ना, व्हेन वी रिसीव्ड 1000, हाउस होल्ड लोगों ने 1000 जब रिसीव किया, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हाउस होल्ड खड़ा है. ठीक है, इसने जब 1000 रिसीव किया, इसने क्या किया ना, इसमें से कुछ हिस्सा सेव कर लिया, इसने इसमें से कुछ हिस्सा सेव कर लिया, मान लेते 100 का सेविंग्स कर लिया, रिमेनिंग 900 का इसने गुड्स खरीद लिया. तो वापस सर्कुलर फ्लो में गया कितना, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं बिकॉज़ ये सर्कुलर शेप में है एंड फ्लोस दिखा रहा है, मनी फ्लो रियल फ्लो, तो इसको सर्कुलर फ्लो बोलते हैं बिकॉज़ मनी इज या फ्लो इज सर्कुलेटिंग. अब देखो इसने रिसीव किया था 1000, इसने 100 का सेविंग कर लिया और सिर्फ 900 ही वापस इकोनॉमी में पहुंचा. ठीक है, अब 900 वापस इकोनॉमी में पहुंचा तो प्रोड्यूसर के पास आया 900. अब आपके पास 900 आया तो नेक्स्ट राउंड में आप सिर्फ 900 ही दे पाओगे बैक टू द सोसाइटी. और अगर आप 900 देंगे तो ये लोग का आदत क्या है, ये लोग सेव कर लेते हैं, तो इन्होंने 100 फिर से सेव कर लिया और नेक्स्ट राउंड में इन्होंने 800 भेजा. समझ रहे हो दिक्कत क्या हो रहा है. अब प्रोड्यूसर के पास पहुंचा 800, प्रोड्यूसर ने नेक्स्ट राउंड में 800 दिया वापस, इन्होंने फिर से सेविंग्स कर लिया, फिर से सेविंग्स कर लिया, अब अगले राउंड में 700 रुपए पहुंचा. तो बात क्या हो रहा है ना कि जितनी बार ये सेविंग्स करता रहेगा ना हाउस होल्ड, उतनी बार हमारी इकोनॉमी क्या होगी, श्रिंक होती जाएगी, हमारी इकोनॉमी का साइज छोटा होता जाएगा, इकोनॉमी एक टफ सिचुएशन में पहुंचेगा, देयर विल बी लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इकोनॉमी का साइज छोटा होता जाता है, डिमांड मार्केट में कम होता जाता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर देता है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है, तो सेविंग्स क्या है ना, सेविंग्स को हम लोग लीकेज मान के चलते हैं. ये क्या हो रहा है, पैसा घूम रहा है और जितनी बार तुम्हारे को मिल रहा है ना, तुम सेविंग्स कर ले रहे हो. तो तुमको 1000 आया था, तुमने सेविंग्स कर लिया, अब तुम 900 भेज रहे हो. ठीक है, फिर तुमको 900 घूम कर वापस आया तो तुमने फिर उसमें से सेविंग्स कर लिया. तो ये सेविंग्स क्या हो रहा है ना, सेविंग्स बार बार लीक कर रहा है, मनी जो फ्लो कर रहा है ना इकोनॉमी में, सर्कुलेट कर रहा है ना इकोनॉमी में, उसमें से बार बार तुम सेविंग्स कर करके पैसा बाहर कर दे रहे हो. तो दिस इज लीकेज एंड एवरी टाइम लेसर अमाउंट इज गोइंग बैक इन द इकोनॉमी. तो अब सेविंग्स तो हाउस होल्ड करेगा ही ना, हाउस होल्ड को तो सेविंग्स करना भी है. तो अभी क्या एक तरीका निकाला जाए जिससे कि सेविंग्स भी हो जाए और प्रोड्यूसर्स को पूरे पैसे वापस मिल जाए, मतलब इकोनॉमी में बेसिकली पैसा कम नहीं होना चाहिए. आप जब सेविंग्स करके हटा देते हो ना तो क्या है कि इकोनॉमी से वो पैसा निकल जाता है, राइट, एंड इससे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कम हो जाते हैं, तो इकोनॉमी का साइज छोटा होने लगता है. अब इकोनॉमी को बड़ा बनाना है ना, राइट, वी हैव टू एक्सपैंड द इकोनॉमी, तो उसके लिए तो पैसे लगेंगे. तो हाउ डू वी ब्रिंग बैक दैट मनी जो आप लीक करते जा रहे हो, इधर 100 100 100 एवरी टाइम आप लीक करते जा रहे हो, हाउ टू गेट दैट बैक.
तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया टू सेक्टर मॉडल में, टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट। ठीक है, बस डायग्राम पे फोकस करो, इधर उधर क्या लिखा है वो मत देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, इधर देखो, टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट, यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, उधर छोड़ो क्या लिखा है, फोकस फोकस इधर। तो टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट जैसे कि शेयर बाजार हो गया, ठीक है, शेयर मार्केट, या फिर यहां बैंक भी आ सकता था, व्हाटएवर, मतलब बेसिकली एक ऐसा ऐसा कंपोनेंट बीच में आ जाएगा जो सेविंग्स को प्रमोट करे। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको मिटा देते, वेट। तो देखो बाकी ना पूरा टू सेक्टर मॉडल ही है, राइट, टू सेक्टर मॉडल है, यहाँ पे हाउस होल्ड है। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, आप इधर बनाओ या उधर बनाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे प्रोड्यूसर है, ये देखो उसका फैक्ट्री, ठीक है, तो ये उसका फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, वो उसका चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो इधर हाउस होल्ड है, उधर फैक्ट्री है, प्रोड्यूसर है। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया, हाउस होल्ड ने दिया फैक्टर सर्विस, बदले में उसको आ गया पेमेंट, फिर इसने खरीदा गुड्स एंड सर्विस और बदले में उसका कर दिया गुड्स एंड सर्विस का पेमेंट। तो टू सेक्टर मॉडल वैसे ही का वैसा है, बट क्या हो रहा है, हाउस होल्ड तो बार बार सेविंग्स कर ले रहा था ना, तो अब की बार हाउस होल्ड क्या कर रहा है ना, अपना सेविंग्स को कहां डाल रहा है, कैपिटल मार्केट में, शेयर बाजार में डाल रहा है या फिर बैंक्स में डाल रहा है। ठीक है, तो हालांकि बैंक्स कैपिटल मार्केट नहीं होते, बट बैंक्स भी हो सकता था। ठीक है, यहां पे बैंक्स भी हो सकता था, तो सेविंग्स का पैसा इधर आ गया, और जब फर्म्स को पैसा लगेगा तो फर्म्स ये पैसा ले सकते हैं। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट हो गया, तो हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग अपना पैसा बेसिकली सेव करते हैं, दैट वे वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग विद दैट, वी आर सेविंग द मनी इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है, और कैपिटल मार्केट से वो पैसा कहाँ चला जा रहा है, वहीं चला जा रहा है जहां उसे डायरेक्टली पहुंच जाना चाहिए था। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आपके पास यहाँ पे पेमेंट आया, ये आया ना पैसा, आया तो 1000 आया। अब 1000 में से आप क्या कर रहे हो, 100 इधर सेव कर दे रहे हो, रिमेनिंग 900 का आप पेमेंट भेज रहे हैं। ठीक है, तो 900 क्या होगा, 900 ऐसे पहुंच जाएगा फर्म्स के पास, और रिमेनिंग 100 जो आपने हटा दिया था उस 1000 में से, वो क्या है, इस तरीके से, इस रूट से पहुंच जाएगा, सो दैट 100 रुपीज इज ऑल्सो बैक इन द मार्केट। तो इससे क्या होगा ना, इकोनॉमी श्रिंक होने से बच जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है इंजेक्शन, इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग पैसा वापस, इंजेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में। और सेविंग्स क्या होता था, सेविंग्स होता था लीकेज, वो मैंने आपको यहां पे समझा दिया था, लीकेज होता है वो। ठीक है, तो अब बात ये है कि टू सेक्टर मॉडल आएगा तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे या ये वाला बनाएंगे, दोनों ही टू सेक्टर मॉडल है। देखो क्वेश्चन अगर आपको सिंपली बोलता है टू सेक्टर बनाओ, और आप देखते हो कि मार्क्स भी आपको 2 मार्क्स दे रखा है, तो आप ये बनाओगे सिंपल, नो कैपिटल मार्केट, नथिंग। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ टू सेक्टर मॉडल शोइंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विथ कैपिटल मार्केट या फिर विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा अगर बोलता है तो फिर आप ये डायग्राम बनाकर आओगे। ठीक है, याद रखना सिर्फ डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको ज्यादा चुल मचा है एक्सप्लेनेशन लिखने का, तो आप एटलीस्ट ये लिख कर आ जाओ बस, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम में मार्किंग्स मतलब आप कहाँ कहाँ क्या मार्क करते हो ना, उसके नंबर होते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए इससे ज्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 सेक्टर मॉडल में। 3 सेक्टर मॉडल में देखो, 2 सेक्टर एज इट इज इंटैक्ट है, जैसा हमने पहले सीखा था, 2 सेक्टर मॉडल वैसे का वैसे ही है। ठीक है, बट यहाँ पे एक थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, और वो है हमारे देश की सरकार। ठीक है, तो सरकार, अब सरकार के साथ बहुत तरीके का इंटरेक्शन होता है, बट हमारे बुक्स में क्या है ना, लिमिटेड वो दिया हुआ है, काफी लिमिटेड इंटरेक्शंस बताए हुए हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप देखोगे, इसमें रियल फ्लो दिखाया, मनी फ्लो दिखाया, ये 2 सेक्टर है। इसमें भी मनी फ्लो दिखाया, रियल फ्लो दिखाया, ये 2 सेक्टर है। बट आप उधर जब देखोगे ना, तो उधर रियल फ्लो मनी फ्लो एकदम 100% नहीं दिखाया है। क्या है ना कि डायग्राम भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो लिमिटेड चीजें दिखाई गई है। आपके बुक में भी ऐसा ही है, अगर आप फ्रैंक इकोनॉमिक्स, आई थिंक वो बुक है आपका फ्रैंक ISC, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो लिमिटेड दिखाया गया है। एंड काउंसिल भी यही फॉलो कर रहा है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये मैंने नहीं बनाया, ये ISC का डायग्राम है, ISC के मार्किंग स्कीम में यही डायग्राम दिया हुआ था। तो इट शोज कि आपका ISC भी यही फॉलो कर रहा है जो आपका बुक फॉलो कर रहा है। तो जितना बुक में उतना ही करके आ जाओ, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, बट ठीक है, चलता है, अभी हम लोग 12th में है। ठीक है ना, कॉलेज में जब जाएंगे, हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे, तब हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे। अभी क्या है ना, बच्चे हैं, तो चलता है, सब माफ है। ठीक है, तो इतना ही बुक में है, इतना ही आपका काउंसिल भी कर रहा है, इतना ही आप भी करके आना। ठीक है, सो 2 सेक्टर आप एज इट इज बना देना, जितना हमने पहले सीखा था, 2 सेक्टर वैसे का वैसा बना देना। अच्छा, ये वाला आता है ना, तो 3-4 मार्क्स का आता है,
ठीक है, ऐसा कोई श्योरिटी, कभी वो 3 मार्क्स का देते हैं, कभी 4 मार्क्स का देते हैं, जैसा उनका मूड रहे उस दिन, ठीक है। तो ये 3 से 4 मार्क्स का आता है, ये 2023 में आ गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत कम चांस है कि ये वापस से आए, बट देखो फिर भी अपने को काम है करना ही है, ठीक है। तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स एज इट इज हो जाएंगे, एंड जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट से हमारा कैसा लेन देन होता है, तो देखो यहाँ पे दिखाया है कि गवर्नमेंट हमें हाउस होल्ड लोगों को, हाउस होल्ड है ना हम लोग है हाउस होल्ड, और ये है फर्म, फर्म मतलब प्रोड्यूसर, तो ये उसका फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री से निकल रहा है धुआं, तो दिस इज फैक्ट्री, राइट। तो और यहाँ पे है सरकार, ठीक है। अब सरकार में क्या बनाएंगे, छोड़ो हटाओ। तो अब हमारे को सरकार से क्या मिलता है, हमारे को सरकार से मिलता है फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। डेफिनेशंस आई विल कवर इन पार्ट 3, ठीक है, डेफिनेशंस आई विल कवर इन पार्ट 3। आप अभी के लिए इतना मान के चलो दो तरीके के पेमेंट मिलते हैं हमें सरकार से, ठीक है। फैक्टर पेमेंट क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट हो गया जैसे कि वेजेस हो गया, आप सरकार के लिए जॉब करते हो, सरकार आपको बदले में पेमेंट दे रही है, ठीक है, तो वो होता है फैक्टर पेमेंट, जैसे सरकार सरकारी वर्कर्स को देती है ना, देर आर मेनी पीपल हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, ठीक है, वेजेस वगैरह, वेजेस एंड सैलरीज। एंड ट्रांसफर पेमेंट वो होता है ना जो यूनिलैटरल होता है, ट्रांसफर पेमेंट जो ऊपर मिलेगा ना, ट्रांसफर पेमेंट जो मतलब वन साइडेड होता है, मतलब आप बदले में कुछ काम नहीं करोगे, सरकार ऐसे ही आपको वो दे देगी, जैसे कि पेंशन हो गया, ठीक है, पेंशन, या गरीब लोगों को जो सरकार राशन वगैरह देती है फ्री में, तो वो सब हो गया ट्रांसफर पेमेंट, मतलब वन साइडेड, ठीक है, आपको बदले में कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे सैलरी कमाने के लिए आपको बदले में जॉब करना पड़ेगा, बट ट्रांसफर पेमेंट इज वन साइडेड पेमेंट, ठीक है। पेंशन आप बोल सकते हो, जहां पे अब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हुए हो, 80 साल के हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको पेंशन सरकार दे रही है, ठीक है, दीज आर वन साइडेड पेमेंट। अच्छा, और हमने बदले में सरकार को क्या देना चाहिए, हमें बदले में सरकार को टैक्सेस दे देना चाहिए, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह ये सब दे देते हैं हम लोग। कमिंग टू द फर्म साइड, तो फर्म लोगों को क्या पेमेंट करना चाहिए, अगेन वो भी टैक्स देंगे, टैक्स तो सबको देना है, इस देश में रहना है तो टैक्स देना है, ठीक है। और बदले में हमें क्या सरकार से मिलेगा, तो सरकार हमसे गुड्स परचेज कर सकती है, मतलब फर्म्स का बात हो रहा है, ठीक है, आर टॉकिंग अबाउट द फर्म्स, फर्म से सरकार गुड्स परचेज कर सकती है, तो सरकार उसकी पेमेंट करेगी। गुड्स परचेज का एग्जांपल जैसे कि आप देखो कोविड के टाइम में सरकार ने वैक्सीन परचेज किया था ना, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन बनाया था, और भारत बायोटेक ने भी वैक्सीन बनाया था, तो सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक से सरकार ने क्या किया था, वैक्सीन परचेज किए थे, और फिर वही वैक्सीन हम सबको लगाया था सरकार ने। तो ये जो गवर्नमेंट का परचेज, गवर्नमेंट परचेज करती है, ठीक है, अलग अलग चीजें परचेज करती है, तो वैक्सीन का तो आप सबको पता ही होगा, एंड सब्सिडीज भी सरकार देती है फर्म्स को। सब्सिडीज क्या है, फाइनेंशियल हेल्प, सब्सिडीज आर फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, तो सरकार की तरफ से जब फाइनेंशियल हेल्प आता है उसको कहते हैं सब्सिडीज। ये है 3 सेक्टर मॉडल, बहुत रेयर चांस है इसके आने के, ठीक है। और इसी में मैं आपको 4 सेक्टर भी समझा देता हूँ, 4 सेक्टर अगर आ गया तो आप क्या करोगे, अब आप कहीं पे भी नीचे में जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बना लेना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें क्या मिलेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें एक्सपोर्ट का पेमेंट मिलेगा, हम लोग जो इनको एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा गुड्स जो बाहर जाता है, तो बाहर से हमको क्या आएगा, बाहर से हमें एक्सपोर्ट के पेमेंट्स आएंगे, ठीक है। एंड जो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, तो हम लोग पैसा बाहर भेजेंगे, हम लोग पैसा भेजेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो इम्पोर्ट पेमेंट्स, इम्पोर्ट पेमेंट्स, राइट, इम्पोर्ट पेमेंट्स होगा। अच्छा, हाउस होल्ड लोग भी इम्पोर्ट करते हैं, हाउस होल्ड मतलब हमारे और आपके जैसे लोग, हम लोग कोई गुड्स खरीद लिए, लेट से फॉरेन का कोई लैपटॉप खरीद लिया, फॉरेन से कोई बाइक मंगा ली, कार मंगा लिया, तो उसका आप पेमेंट करोगे, फॉरेन का आप पेमेंट करोगे, है ना, इम्पोर्ट पेमेंट आप भी करते हो, फर्म्स भी करते हैं, आप भी करते हो इम्पोर्ट का पेमेंट, ठीक है। एंड फॉरेन से इंडिया में आपकी तरफ क्या आ सकता है, फॉरेन से आपकी तरफ आ सकता है फॉरेन रेमिटेंसेस, ठीक है, शॉर्ट में हम राइटिंग स्पेस नहीं है यहाँ पे, फॉरेन रेमिटेंसेस, जैसे कि कोई विदेश में जाके जॉब कर रहा है, वो अपने माँ बाप को इंडिया में पैसे भेज रहा है, तो वो कहाँ जाके जॉब कर रहा है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब विदेश में जाके जॉब कर रहा है, वो फॉरेन में जाके जॉब कर रहा है, उसके माँ बाप कहाँ है, उसके मम्मी पापा यहाँ पे इंडिया में, मॉम एंड डैड, ठीक है, वो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो अपने मॉम डैड को क्या भेज रहा है, वो भेज रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस, पैसे भेज रहा है घर में रहने के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ 4 सेक्टर मॉडल विल लुक लाइक, आई डोंट थिंक 4 सेक्टर मॉडल शुड कम, बट यू शुड गो थ्रू इट वंस, ठीक है, क्या भरोसा अगर 6 मार्क्स का आ ही जाए, तो आज तक जो नहीं हुआ वो हो ही सकता है, ठीक है, सिलेबस में है तो हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 4 सेक्टर आप एक बार अपने बुक से डायग्राम देख लीजिएगा। सो हमने इस वीडियो में क्या क्या किया, हमने इस वीडियो में सबसे पहले तो ये समझा कि
पहली बात हमने ये समझा कि कहीं पे भी इनकम लिखा हुआ है तो उसके डेफिनेशन में प्रोडक्शन भी वर्ड आपको मिल सकता है और एक्सपेंडिचर भी मिल सकता है, हालांकि ये बहुत रेयर है। तो एक चीज समझना, वैल्यू वाइज इनकम प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर सब सेम होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये जाना कि हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन एन इकोनॉमी, हम लोगों ने ये जाना कि इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और हमें इनका इंटरेक्शन दिखाना है। इंटरेक्शन कुड बी टू टू सेक्टर्स का, इंटरेक्शन कुड बी थ्री सेक्टर्स का, एंड इंटरेक्शन कुड बी ऑल फोर सेक्टर्स का, ठीक है। टू सेक्टर का होगा तो आप ऐसे दिखाओगे सिंपल डायग्राम, और आप चाहो तो लिख देना रियल फ्लो मनी फ्लो का डेफिनेशन, ठीक है। टू सेक्टर विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अगर आया तो आप ऐसा डायग्राम दिखाओगे, ठीक है। ये आने से 3 मार्क्स का आ जाएगा, अगर ये आता तो 2 मार्क्स का आता। एंड लास्टली थ्री सेक्टर ऐसे दिखता है, और फोर सेक्टर होता तो आपको नीचे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बना देना है, और उनसे हमारा कैसा इंटरेक्शन होता है वो आई शोड यू जस्ट नाउ। आपके बुक में भी ये डायग्राम है तो आप एक बार वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोड़ छोड़ के मत जाना, जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग कि वो लीस्ट एक्सपेक्टेड है, डज नॉट मीन्स कि आप छोड़ के जाएंगे। किसी दिन काउंसिल का दिमाग घुमा तो वो आपको 6 नंबर का दे देगा वो, ठीक है। तो डोंट टेक रिस्क, ठीक है। आपका 10 मिनट प्रैक्टिस आपको बहुत बड़े रिस्क से बचा सकता है, तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में है, आप ऑनेस्टली उसको करो। मैंने समझा दिया, दम आपको लगाना है, ठीक है। आई जस्ट गाइड यू, बट पावर आपको लगाना पड़ेगा तो मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है। मेरे पावर लगाने से आपको मार्क्स आएंगे नहीं। तो दिस वाज पार्ट वन। पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस है, जैसे कि ये सब। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया सेविंग्स क्या होता है एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सेविंग्स लीकेज होता है, आई शोड यू लीकेज कैसे हो रहा है। एंड इंजेक्शन मतलब वापस वो पैसा इकोनॉमी में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी विच इज एडेड, वापस एड हो रहा है इकोनॉमी में या फ्लो ऑफ इनकम में, जो फ्लो से बाहर हो गया था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 100-100 रुपया बार बार बाहर कर दे रहे थे हमने फ्लो से, तो उसको वापस से डालना इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो ये आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। आई नो आई हैव स्किप्ड सर्टेन डेफिनेशंस। डेफिनेशंस कहाँ करेंगे, पार्ट टू में हम लोग पूरा सम्स पे फोकस करने वाले हैं। ये 3 मार्क्स का पोर्शन है, 6 मार्क्स का पोर्शन नेक्स्ट कमिंग अप वीडियो में आएगा। एंड डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस, डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, वो भी 2 से 3 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। सो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस मच। अब आप आपके एंड से दम लगाइए और कंप्लीट करते हुए चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।